आज हम पढ़ेंगे क्रिस्टल डिफेक्ट के बारे में। क्रिस्टल डिफेक्ट क्या होते हैं और इसके कितने कितने प्रकार होते हैं। तो क्रिस्टल क्या होता है, हमारा कोई भी सॉलिड पदार्थ है, जैसे कि हमारे ठोस होते हैं, मेटल बोलते हैं उसको, किसी चीज़ को क्रिस्टल बोलते हैं। इन सब में क्या होता है, कभी भी किसी आयन होते हैं, इनमें एटम होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, किसी की भी अपसाइड के कारण या किसी की अधिकता के कारण, यानी कि कोई भी एटम अधिक आ जाए या आयन अधिक आ जाए या मॉलिक्यूल अधिक हो जाए या फिर उसमें से एटम आयन या मॉलिक्यूल की कमी हो जाए, इसके कारण जो भी उसमें दोष या कमी उत्पन्न होती है हम उसी को क्या बोल देते हैं, क्रिस्टल डिफेक्ट यानी कि क्रिस्टल दोष। ये हमारे दो तरह के होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, और सेकंड होता है हमारा नॉन स्टोकियोमेट्रिक, नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो फर्स्ट है हमारा स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, इसे हम हिंदी में बोलते हैं निश्चित अनुपात का दोष, इसे बोलते हैं अनिश्चित अनुपात का दोष। तो निश्चित अनुपात के दोष में क्या होता है हमारा, कि जब किसी भी आयन मॉलिक्यूल इनके बीच एक निश्चित अनुपात बना रहे तब उनमें जो दोष उत्पन्न हो वो हमारा कहलाता है निश्चित अनुपात का दोष। जैसे कि हमारा NaCl, NaCl में क्या है, जितना Na की मात्रा होती है उतना ही हमारा Cl की मात्रा होती है, यानी कि Na और Cl दोनों की मात्रा कैसी होगी, बराबर होगी। ऐसे दोष जो कि एक ऐसे आयन या मॉलिक्यूल में पाए जाए जिनमें आयनों या जालक बिंदुओं का एक निश्चित अनुपात होता है वो हमारे कहलाते हैं निश्चित अनुपात के दोष। अब बात करते हैं हम अनिश्चित अनुपात के दोष, ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें आयनों का या जालक बिंदुओं का एक कोई निश्चित अनुपात नहीं होता या निश्चित अनुपात के नियम का पालन नहीं करते हैं। इनमें क्या है, यदि किसी कारण से जैसे कि किसी में आयन प्लस आयन की मात्रा ज़्यादा होगी या किसी में माइनस आयन की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा होगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि ये हमारे कि कोई धनावेशित हो जाए कोई ऋणावेशित हो जाए, लेकिन थोड़ी सी बस मात्रा में अंतर आता है, यानी इनका जो अनुपात है वो एक निश्चित मात्रा में नहीं होगा, अनिश्चित रूप से होगा। जैसे कि हमारा ZnO, FeO, इस तरह के एग्जाम्पल है जिनमें अनिश्चित अनुपात का दोष पाया जाता है। तो हमारे जो निश्चित अनुपात के दोष हैं इन्हें फिर से डिवाइड करते हैं, तो ये भी हमारे होते हैं दो तरह के। फर्स्ट होता है हमारा फर्स्ट होता है हमारा शॉर्ट की और सेकंड होता है हमारा फ्रैंकल। ठीक, इसके कितने टाइप्स हैं, दो, शॉर्ट की और फ्रैंकल। शॉर्ट के फ्रैंकल क्या है, ये हमने पिछली वीडियो में बताया था आपके लिए, अगर आप इस बारे में पढ़ना चाहें तो ये हमारी आप पिछली वीडियो लिंक जो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से जाकर इसको पढ़ सकते हैं। सेकेंड आता है हमारा नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, ये भी हमारे क्या होते हैं, दो तरह के। फर्स्ट होता है इनमें हमारा ये बोलते हैं इसके ये बोल देंगे मेटल एक्सिस डिफेक्ट, और सेकंड होता है इसमें हमारा मेटल डेफी सीएनसी डिफेक्ट। ये भी हमारे दो टाइप के हो गए, शॉर्ट के और फ्रैंकल, और ये भी हमारे दो टाइप के हो गए, मेटल एक्सिस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल एक्सिस डिफेक्ट में क्या होता है कि ऐसे दोष जो ऋण आयनों की अधिकता के कारण उत्पन्न होते हो, ऐसे दोष जो ऋण आयनों के, यानी कि एक हमारा कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल हो जिसमें क्या हो ऋण आयन वाले यानी एनायन की मात्रा क्या हो कैटायन से थोड़ी सी ज्यादा हो जाए, यानी कि ऋणावेश जो हो उसमें थोड़ा सा ज्यादा हो, तब जो दोष उत्पन्न होगा मेटल एक्सिस डिफेक्ट कहलाएगा। इसमें क्या है, ऐसे क्रिस्टल जिनमें क्या हो पॉजिटिव आयन की मात्रा थोड़ी ज्यादा हो जाए तो उसमें जो दोष उत्पन्न होगा वो कहलाएगा मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंसी यानी कि धातु आदि के दोष और ये धातु कमी दोष। आज हम पढ़ेंगे मेटल एक्सिस डिफेक्ट के बारे में। मेटल एक्सिस डिफेक्ट भी दो तरह के होते हैं, इसको अभी हम रफ कर देते हैं, उसका हम देखते हैं मेटल एक्सिस डिफेक्ट कौन कौन सा। मेटल एक्सिस डिफेक्ट हमारे कौन कौन सा है, फर्स्ट हमने यहाँ लिखा है ऋण आयनों की अनुपस्थिति के कारण। इसमें क्या होता है हमारी, जैसे मैं फ्रैंकल और शॉर्ट की में बनाई थी बिल्कुल वैसे ही सरल में सुनाएंगे, एक कैटाइन फिर एक एनायन, ये हमारे क्या होते हैं, हम बोलते हैं जालक बिंदु। फिर कैटाइन हमारा, तो हमारा
फिर से एन आए। सेम इसी तरह से हम इसके अपोजिट पार्ट को नीचे लिखते रहेंगे, ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव। देखिए इन्हें हम सबको, इन सबको क्या बोलते हैं, हम जालक बिंदु बोलते हैं। ठीक, इन सबको हम, ये जो बीच में खाली जगह दिख रही है आपको, इसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट, इंटरस्टिशियल साइट। ठीक है, ये हमारे को जालक बिंदु और ये होगी इंटरस्टिशियल साइट। इस तरह के दोष में क्या होता है, ऋण आयनों की अनुपस्थिति के कारण, यानी कि हमारे क्या है एनायन, यानी इनमें से कोई भी एनायन जो है वो इस क्रिस्टल के बाहर आ जाएगा। लेकिन क्योंकि हमारा क्रिस्टल कैसे रहता है, उदासीन, तो इस क्रिस्टल को उदासीन बने रहने के लिए वो क्या करता है, अपना जो चार्ज है, ये हम देख रहे हैं इन पे माइनस है, इस पे क्या है प्लस, तो इसका चार्ज हम क्या बोलेंगे, प्लस, इसका क्या बोलेंगे, माइनस। तो इसका जो चार्ज है वो ये अपना अपनी जगह पे छोड़ जाता है। जैसे हम यहाँ एग्जाम्पल ले लीजिए, ये लीजिए बी नेगेटिव, बी नेगेटिव क्या कर रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन, इसको हम थोड़ा डार्क कर देंगे, अपना जो इलेक्ट्रॉन था वो छोड़ गया और जो हमारा बी था केवल वो हमारा क्या हुआ, इस क्रिस्टल के बाहर चला गया। जैसे यहाँ एग्जाम्पल है, एक क्लास में एक है बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चे बैठे हुए थे, तो एक बच्चे ने क्या किया, हर बच्चे अपने पास चार्ज के रूप में क्या, अपना बैग, हम मान लेते हैं जो बच्चे हैं उनके ऊपर जो चार्ज है वो क्या है, उनका बैग है, तो वो अपना बैग अपनी जगह पर रख जाए। अक्सर होता है हम लोग क्लास में क्या करते हैं, अपने हमें कहीं क्लास से बाहर जाना होता है तो हम अपनी बेंच पे अपना बैग रख देते हैं और हम क्लास से बाहर चले जाते हैं। वही कंडीशन यहाँ पे हो रही है कि कोई बच्चा है मान लीजिए, तो वो अपना चार्ज यानी कि अपना जो बैग है वो अपनी जगह पे छोड़ करके और खुद क्रिस्टल के बाहर न्यूट्रल यानी कि उदासीन बन के चला जाएगा। ऐसे इस क्रिस्टल में कि कोई भी एनायन अपनी जगह पे अपना जो चार्ज होता है वो रख करके और खुद उदासीन बन के क्रिस्टल के बाहर चला जाता है। इस तरह के दोष को हम क्या कहते हैं, ऋण आयनों की अनुपस्थिति के कारण उत्पन्न होने वाला मैटर एक्सिस यानी कि धातु आधिक्य दोष। इस तरह के दोष में क्या, हमारा क्रिस्टल उदासीन ही रहता है लेकिन घनत्व कुछ मात्रा में कम हो जाता है हमारा। इस तरह का दोष होता है हमारा जेड एनओ, इस तरह की जेड एनओ जो हमारा एग्जाम्पल है इसमें पाया जाता है इस कंपाउंड में। अब हम बात करते हैं दूसरे की, दूसरा दोष हमारा जो होता है हम उसको यहाँ पे लर्न करेंगे। अब देखिए हमारा दूसरा टाइप क्या होता है, ये बी, अतिरिक्त धन आयनों के कारण उत्पन्न धातु आधिक्य के दोष। पहला हमारा कौन सा हो गया, ऋण आयनों की अनुपस्थिति के कारण उत्पन्न होने वाला दोष, और दूसरा दोष हो गया हमारा मेटल एक्सिस का ही दूसरा प्रकार, अतिरिक्त धन आयनों के कारण उत्पन्न दोष। इसका भी क्या है, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर बनेगा, इसमें भी कोई भी एक्स्ट्रा चीजें नहीं दिखानी। किस तरह से, ये क्या हमारे जालक बिंदु है, आपस में जाल रूपी संरचना द्वारा जुड़े हुए हैं, बीच की जगह हम इंटरस्टिशियल साइड भी बोल रहे हैं। अब इसमें क्या बोला, अतिरिक्त, अतिरिक्त मतलब क्या है, एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा क्या है, जो बाहर से आ जाए, यानी कि इसमें क्या होता है, कहीं बाहर से यदि कोई कैटायन आ जाता है, बाहर से क्या है, कैटायन, तो अब क्या है, अब इस क्रिस्टल ही कैसा हो जाएगा, धनावेशित, क्योंकि इसमें क्या हुआ, प्लस जो चार्ज है वो ज्यादा हो गया, हमारा क्रिस्टल कैसा हो जाएगा, अब धनावेशित। तो इस क्रिस्टल को उदासीन करने के लिए क्या होता है, साथ ही साथ में एक इलेक्ट्रॉन भी इंटरस्टिशियल साइट में आकर के शिफ्ट हो जाता है। इसमें क्या है, ये क्या है, हमारा इंटरस्टिशियल साइट है, इसमें बाहर से कोई भी कैटायन आकर के क्या हो रहा है, यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो उसके साथ इस चार्ज को बैलेंस करने के लिए इस पूरे क्रिस्टल में एक बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन भी आकर के बैठ जाता है। तो इस तरह से हमारा क्रिस्टल क्या रहा, उदासीन ही रहा, लेकिन अतिरिक्त यहाँ पे क्या है, देखिए पूरा एक बच्चा है, एग्जाम्पल तौर पे समझे तो यहाँ पे बच्चा भी आया क्लास में और अपने साथ अपना बैग भी लाया, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि किसी बच्चे ने खुद नहीं आया, वो स्वयं नहीं आया, बल्कि केवल अपना बैग यानी कि अपना जो चार्ज था वो भेज दिया। इससे अगर हम क्लास में क्या करेंगे कि हमें काउंटिंग करनी कि इस क्लास में हमें इतने बैग चाहिए, तो हमारी बैग्स की काउंटिंग तो क्या होगी, कंप्लीट होगी, लेकिन अगर हम बच्चों की काउंटिंग करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, हमारी कम हो जाएगी। तो इस क्रिस्टल का घनत्व तो जो है वो कुछ मात्रा में बढ़ेगा, क्योंकि एक तो हमारा आयन बाहर से आया है लेकिन चार्ज बराबर होने के कारण पूरा क्रिस्टल हमारा कैसा रहेगा, उदासीन रहेगा। तो इस तरह के दोष में क्या होता है, हम नाम से ही याद हो जाएगा, अतिरिक्त धन आयन, इस तरह में जाल बिंदु होते हैं, आपस में जो जाल रूपी संरचना द्वारा जुड़े होते हैं, इनके बीच के स्थान को हम अंतराकाशीय स्थान बोलते हैं,
इस तरह के दोष में यदि कोई कैटायन बाहर से आता है तो उसके चार्ज को बैलेंस करने के लिए कोई माइनस ये का इलेक्ट्रॉन भी उस बाहर से आकर के इंटरस्टीशियल साइड में बैठ जाता है, लेकिन इनका स्थान कोई निश्चित नहीं होता है, कहीं भी किसी भी इंटरस्टीशियल साइड में आकर के बैठ सकते हैं। तो इस तरह के हम दोष को क्या कहते हैं, अतिरिक्त धन आयनों के कारण उत्पन्न दोष। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो इन दोनों दोष में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।